अपने दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गौरीगंज प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मटियारी और अमेठी विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह के समर्थन में दो जनसभाओं को संबोधित किया और प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगे। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जहां विपक्ष पर जमकर हमला बोला तो वहीं अपने विकास कार्यों को जनता के सामने पेश किया। वहीं मंच से बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हम अमेठी के इस धरती से चारों विधानसभाओं में कमल खिलाकर पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। इतना ही नहीं, वहीं पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी सरकार में बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए आतंकवादियों को छुड़ाने का काम किया गया है। हमारी सरकार अपने दम पर धारा 370 को खत्म किया है। हमारी पार्टी हमेशा देश के हित में कार्य करती आई है। हमारी सरकार के प्रयास से हैदराबाद के बम ब्लास्ट केस के आरोपियों को फांसी की सजा हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अभी तक प्रदेश का चुनाव लड़ रहे थे। जिस दिन अपने पिता मुलायम सिंह को करहल विधानसभा में घुमाया था, उस दिन ये बात साबित हो गई कि अब वे वहीं का चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी से रणविजय सिंह की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। आपने इन कुख्यात आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला लिया, उस समय आपने भारत के संविधान की शपथ ली हुई थी और शपथ कहता था कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान को की रक्षा करूंगा और संविधान को अक्षुण रखूंगा। आपने क्या निभाया? आपने शपथ ली थी कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं आतंकवादियों की रक्षा करूंगा, आतंकवादियों को अक्षुण रखूंगा, उनको बचाऊंगा, उनको संभालूंगा, उत्तर प्रदेश जाए जहां जाना है, मुसीबत आए जितनी आनी है, हमने तो आतंकवादियों का साथ दिया। यही नहीं किया उन्होंने? क्या यही किया कि नहीं किया? मैं मीडिया वालों से चाहूंगा, मेरे आरोप अखिलेश जी से पूछो। मैं हवा हवाई की बात नहीं करता हूं, मैं तथ्यों के आधार पर बात करने आया। क्या आप उत्तर प्रदेश को ऐसे काले बादल जो मंडरा रहे उनको उनके साथ देंगे? आप क्या नहीं। आप क्या ऐसे लोगों का साथ देंगे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चंद्र प्रकाश का चुनाव नहीं है, ये चंद्र प्रकाश के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास का, गौरीगंज के विकास का चुनाव है, शांति अमन चैन का चुनाव है। और ये मेरे छोटे भाई है, इनको पूरी मदद मिलनी चाहिए। हिलेगी ना? हिलेगी ना? इनके हाथ मजबूत कीजिए, ये मजबूत होंगे तो योगी जी मजबूत होंगे, योगी जी मजबूत होंगे तो मोदी जी के कार्य को और योगी जी के कार्य को मोहर आप लगाएंगे तो वो आप चंद्र प्रकाश के माध्यम से लगाएंगे। इसको आप याद रखें।